इंग्लिश विदाउट रूल्स। मैं आपके लिए एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, और पर्टिकुलरली ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए शुरू कर रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अच्छी इंग्लिश में दो चीज़ें बेसिकली ज़रूरी हैं, अच्छा ग्रामर, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, कन्वर्सेशनल इंग्लिश की नहीं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश वोकैबलरी, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं, और इनमें जो भी गलतियां होती हैं उसी पर आपको मार्क्स मिलना या नहीं मिलना डिपेंड करता है। एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ मैं आपके लिए स्टूडेंट्स, टॉप 50 वोकैबलरी मिस्टेक्स। इस सीरीज में हम वोकैबलरी की उन टॉप 50 मिस्टेक्स की बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने मार्क्स लॉस करते हैं। पार्ट वन में आप सीखोगे अकॉर्डिंग टू का प्रॉपर यूज। तीन एग्जाम्पल सेंटेंसेस आपके सामने हैं, जरा इनको रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन टाइम इज एन इल्यूजन, द मीटिंग ऑल वेंट अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल, अकॉर्डिंग टू मी दिस विल नेवर वर्क। अब आपको क्या लगता है, ये तीनों सेंटेंसेस जो आपके सामने हैं अकॉर्डिंग टू के, ये तीनों ठीक हैं या इनमें कोई गलती है? नो, एक्चुअली ऑल दीज थ्री सेंटेंसेस आर करेक्ट। तो फिर अकॉर्डिंग टू की गलतियां कौन सी होती हैं, कहां पर अकॉर्डिंग टू हम यूज नहीं कर सकते, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आप इस वीडियो के एंड होते होते अकॉर्डिंग टू का प्रॉपर यूज समझ चुके होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इन वीडियोस में, इस वीडियो सीरीज में, मैं ना सिर्फ आपको वोकैबलरी की मिस्टेक्स दूर करना सिखाऊंगा, बट आपको एक एक्सरसाइज भी वीडियो एंड में मिलेगी, वीडियो के साथ साथ मिलेगी सॉल्यूशंस के साथ, ताकि आप एक प्रॉपर प्रैक्टिस कर सको। सो लेट्स मूव ऑन, ओवरव्यू देखते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू मी दिस विल नेवर वर्क, ये गलत सेंटेंस है। और गलत क्यों है, क्योंकि इंग्लिश में कभी भी अकॉर्डिंग टू मी नहीं बोलते। इसकी जगह आपको बोलना है इन माई ओपिनियन दिस विल नेवर वर्क, और आई थिंक दिस विल नेवर वर्क। इसी तरह से अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हिज ओपिनियन। देखो, ओपिनियन बोलने के लिए अकॉर्डिंग यूज नहीं करना, ओपिनियन बोलने के लिए यूज करना है इन हिज ओपिनियन और इन हिज व्यू, और या फिर आप कह सकते हो ही थिंक्स, ही बिलीव्स, ही रेकन्स, उसे लगता है, उसके हिसाब से, उसके ख्याल से, ही रेकन्स दैट इट वॉज माई फॉल्ट। सो रिमेंबर, ओपिनियन की जब आप बात करेंगे या व्यू की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू यूज नहीं करेंगे। अगला देखते हैं, यू मस्ट अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स एडवाइस, ये बोलना भी गलत है, और ये तो वैसे भी आपको पहली नज़र में गलत नज़र आ रहा होगा। इसकी जगह क्या बोल रहे हैं, यू मस्ट फॉलो, यहाँ पर आपको यूज़ करना है फॉलो। जब भी एडवाइस की आप बात करोगे, आप वर्ड यूज़ करोगे फॉलो, अकॉर्डिंग टू नहीं। सो यू मस्ट फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस। अकॉर्डिंग टू द एक्सीडेंट शी अराइव्ड लेट फॉर द पार्टी, अब ये भी गलत है। क्यों गलत है, As a result of the accident, she arrived late for the party. Yeah, owing to the accident, yeah, because of the accident, she arrived late for the party. पर ये according to the accident गलत क्यों है? क्योंकि जब आप किसी चीज़ की explanation देते हो या as a result something हुआ, किसी चीज़ के परिणाम स्वरूप कोई घटना घटी, यहाँ इसका लेट आना एक रिजल्ट था, एक्सीडेंट का, एक्सीडेंट हुआ इसलिए वो लेट आई, एक्सीडेंट के रिजल्ट के तौर पर वो लेट आई। तो जब हम किसी चीज़ के रिजल्ट की बात करेंगे तो फिर अकॉर्डिंग टू नहीं, एज अ रिजल्ट ऑफ या ओइंग टू या बिकॉज ऑफ की को यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑल दीज रीजंस वी डिसाइडेड टू अबैंडन द प्रोजेक्ट, जब भी रीजन की बात करेंगे, इस रीजन की वजह से, इस कारण की वजह से, अकॉर्डिंग टू गलत होगा, वहां पर यूज करेंगे फॉर। फॉर ऑल दीज रीजंस वी डिसाइडेड टू अबैंडन द प्रोजेक्ट। तो ये आपने देखा बच्चों ओवरव्यू में कि अकॉर्डिंग टू कहाँ यूज नहीं करना है, तो फिर इसे यूज कहाँ करना है वो भी देखते हैं कि इसे यूज कहाँ करना है। गाइडलाइंस में समझते हैं पहले इस चीज को। अकॉर्डिंग टू अ पर्सन, जब भी आप कहोगे कि उसके हिसाब से,
मेरे भाई के हिसाब से, मेरे भाई के व्यू में. सो अकॉर्डिंग टू माई ब्रदर, अकॉर्डिंग टू माई सिस्टर, अकॉर्डिंग टू माई वाइफ, अकॉर्डिंग टू माई हस्बैंड, अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू मिस्टर एम्ब्रोज, अकॉर्डिंग टू अ पर्सन. लेकिन ध्यान रखना है, कभी भी अकॉर्डिंग टू मी नहीं बोलते. नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू अ सोर्स. कोई भी जब आप किसी सोर्स की बात करोगे, कहीं से कुछ कोट करके बोलोगे, भाई उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से या उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो फिर अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे. अकॉर्डिंग टू अ सोर्स, अकॉर्डिंग टू अ डॉक्यूमेंट, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू एन इंस्टीट्यूट, अकॉर्डिंग टू अ फिगर, अकॉर्डिंग टू द डेटा वगैरह वगैरह. अगला, एज अ रिजल्ट ऑफ, जब भी आप किसी चीज के रिजल्ट की बात करोगे, पिछले एक सेंटेंस में देखा अभी हमने कि एज अ रिजल्ट ऑफ या ओइंग टू मतलब की वजह से, या बिकॉज ऑफ मतलब की वजह से, तो उसमें आपको अकॉर्डिंग टू यूज नहीं करना है. जब भी आप एक्सप्लेन करोगे एज अ कंसिक्वेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज की वजह से कुछ हुआ, तो वहां पर अकॉर्डिंग टू यूज नहीं करना है. वहां आपको एज अ रिजल्ट ऑफ, ओइंग टू या बिकॉज ऑफ बोलना है. अकॉर्डिंग टू यहां गलत होगा. आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक था इसलिए मैं लेट हो गया, रीजन बता रहे हैं. ट्रैफिक था इसलिए मैं लेट हो गया, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं. और अगर कारण बता रहे हो तो क्या करेंगे, फॉर अ रीजन. फॉर अ रीजन मींस रीजन बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं, तो आप यूज करोगे फॉर. फॉर अ रीजन गिव्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग. अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो कारण के साथ, आई गॉट लेट फॉर आई वॉज सिक, मैं बीमार था इसलिए मैं लेट हो गया. तो अगर आप रीजन बता रहे हो किसी चीज का और उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, इस कारण की वजह से ऐसा हुआ, तो फिर आप यूज करते हो फॉर, अकॉर्डिंग टू नहीं. तो आपने देखा, आप शुरू के दो केसेस में अकॉर्डिंग टू अ पर्सन और अकॉर्डिंग टू अ सोर्स, इन दो चीज़ों के लिए आप अकॉर्डिंग टू यूज करते हो. और अगर आप किसी का कंसिक्वेंस बता रहे हो तो आप एज अ रिजल्ट ऑफ, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ यूज करते हो. रीजन बता रहे हो तो फॉर यूज करते हो. लेट्स मूव ऑन फॉर मोर एग्जाम्पल्स. अकॉर्डिंग टू माई हस्बैंड they are building a new supermarket here. According to Einstein, हम किसी के according बात कर रहे हैं, according to Einstein, time is an illusion. The meeting all went according to schedule. According to the table set out in annex 4 of the proposal, and just, ये हुआ वो हुआ, according to the table. So उस schedule के हिसाब से, उस table के according. And as a result of her illness, she had to stop work. और ओइंग टू हर इलनेस शी हैड टू स्टॉप वर्क, और बिकॉज ऑफ हर इलनेस शी हैड टू स्टॉप द वर्क. सो जब भी आप ऐसी किसी चीज की बात करोगे कि ऐसा था इसलिए बाद में ऐसा हुआ, एज अ रिजल्ट आप यूज करोगे एज अ रिजल्ट, ओइंग टू या बिकॉज ऑफ. और आप जब कारण बताओगे कि ऐसा हो गया, इसका कारण ये था, तो आप यूज करते हो फोर को. अब बच्चों प्रैक्टिस करते हैं एक एक्सरसाइज की, करेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंसेस. आपके सामने स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको आपको वन बाय वन रीड करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट को करेक्ट करना कैसे है. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज, प्रपोजल्स आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस, क्वांटिटी एंड टाइम प्रायोरिटी. ये सेंटेंस सही है या गलत है? यस ऑफकोर्स इट इज करेक्ट. Second one, they were used according to the manufacturer's operating manual. ये सही है या गलत है? Of course, correct. Number three, according to me, they should all leave now. ये सही है या गलत है? Of course, ये गलत है, क्योंकि इंग्लिश में मैंने बताया अभी आपको, अकॉर्डिंग टू मी कभी नहीं बोलते. इसकी जगह आप बोल सकते हो इन माई ओपिनियन और आई बिलीव. सो नंबर फोर, शी वॉज फोर्स्ड टू गिव अप हर जॉब अकॉर्डिंग टू हर पुअर हेल्थ. ये सही है या गलत है? Of course, it's incorrect. Why? भाई रीजन आप बता रहे हो उसकी पुअर हेल्थ की वजह से, सो ये गलत है. इधर ये होना चाहिए बिकॉज ऑफ हर पुअर हेल्थ, उसके पुअर हेल्थ की वजह से ऐसा हुआ. आई मीन एक रीजन था जैसा कंसिक्वेंस ऐसा निकला. सो आपको अकॉर्डिंग टू नहीं यहाँ पर यूज करना है, बल्कि बिकॉज ऑफ आप यहाँ यूज कर सकते हो, ड्यू टू यूज कर सकते हो आप यहाँ पर, एज अ रिजल्ट ऑफ आप यहाँ यूज कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू गलत होगा. नंबर फाइव, यू शुड अकॉर्डिंग टू योर टीचर्स विशेस. करेक्ट है और इनकरेक्ट है?
जब भी विशेष या एडवाइस की बात करते हैं तो फॉलो बोलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू यहां पर भी गलत है। नंबर से यहां ये होना चाहिए, यू शुड फॉलो योर टीचर्स विशेस। नंबर सिक्स, अकॉर्डिंग टू द पावर कट द स्कूल हैड टू बी क्लोज्ड। सही है या गलत है? ऑफ कोर्स इट्स इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि पावर कट की वजह से स्कूल को क्लोज किया। सो इस एक काम हुआ जिसका रिजल्ट ये निकला कि स्कूल क्लोज हुआ। सो एज अ रिजल्ट और ड्यू टू द पावर कट द स्कूल हैड टू बी क्लोज्ड, या एज अ रिजल्ट ऑफ द पावर कट, बिकॉज ऑफ द पावर कट द स्कूल हैड टू बी क्लोज्ड। नंबर सेवन, अकॉर्डिंग टू अवर एस्टिमेट अबाउट 30,000 पीपल विल बी कमिंग टू द कंसर्ट। सही है गलत है? यस, दिस इज करेक्ट। करेक्ट बिकॉज यहां पर एक डेटा की बात कर रहे हैं, इस डेटा के हिसाब से, हमारे एस्टिमेट के हिसाब से, दैट इज क्वाइट करेक्ट। नंबर एट, शी ऑलवेज अराइव्ड टू वर्क ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू हर कलीग्स। सही है या गलत है ये? ऑफकोर्स इट्स ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि उसके कलीग्स के अकॉर्डिंग, सो द सेंटेंस इज क्वाइट करेक्ट। लेट्स मूव ऑन फॉर सम मोर प्रैक्टिस स्टूडेंट्स। Again, you have to correct these sentences if they are incorrect. First one, according to Mayan prophecies, Mayan भविष्यवाणियों के हिसाब से, जो Latin American एक civilization थी, जैसे India में Indus Valley civilization थी, वैसे ही Latin America, South America में Maya civilization थी, जिसके prophecies यानी भविष्यवाणियों पर एक movie भी बनी थी 2012, जिसमें बताया था कि दुनिया end हो सकती है 2012 के आखिरी तक, लेकिन नहीं हुई। According to Mayan prophecies, a serpent rope will appear in the center of the Milky Way. Milky Way वो galaxy जिसके part हमारी Earth है। तो ये सही है या गलत है? भाई किसी theory के according, किसी concept के according बात कर रहे हैं, ये sentence बिल्कुल ठीक है according to Mayan prophecies, किसी के विचार से। Number two, alcohol was to blame for the outbreak of violence according to a source at the police station. Correct or incorrect? Of course, जब भी आप किसी सोर्स का हवाला दे रहे हो उसके हिसाब से, तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू करेक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू अ सोर्स। नेक्स्ट, नंबर थ्री, ही इज कंप्लीटली मैड अकॉर्डिंग टू मी। सही है या गलत है? Of course, very well, you know, it's incorrect. According to me, गलत है। In my opinion, ये होना चाहिए। In I believe हो सकता है, I believe he is completely mad, और in my opinion, he is completely mad. Number four, according to a newspaper report, she fell ill with a stomach problem during her tour. Correct है और incorrect है? Of course, एक report की बात कर रहे हैं, एक source के according. So ये correct sentence होगा, according to a newspaper report, एक source के according. It's correct. Number five, he is a strong believer in equality between man and woman, according to those that have worked with him. सही है या गलत है? Of course, that's also correct. Why? Because हम एक source उन लोगों के हिसाब से, यानी उस source के हिसाब से, so that is correct. ऐसे ही बोलते हैं. Now number six, according to these reasons, they had to leave early. सही है या गलत? बिल्कुल गलत है. Reasons के लिए four बोलते हैं, according to नहीं. So for these reasons, इन कारणों की वजह से, she had to leave early. उसे जल्दी जाना पड़ा. नंबर सेवन, चिल्ड्रन शुड बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू हर ओपिनियन। ये सही है या गलत है? वेल ऑफ कोर्स इट्स इनकरेक्ट, क्योंकि ओपिनियन के लिए अकॉर्डिंग टू यूज नहीं करते, इन हर ओपिनियन इसको ऐसे बोलेंगे, चिल्ड्रन शुड बी पनिश्ड इन हर ओपिनियन। वेल स्टूडेंट्स, आई होप आप अकॉर्डिंग टू का एक प्रॉपर यूज सीख चुके हो। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट टू में, कुछ और इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी टॉपिक की बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।